हिमाचल में किसानों को लेकर सियासी घमासान चला हुआ है और सभी राजनीतिक दल किसानों के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं। हालांकि हिमाचल में किसानों के मुद्दे को लेकर किसान खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन हिमाचल में भी कई किसान कृषि बिलों से खुश नहीं हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक देशराज शर्मा का कहना है कि किसान खेतों में काम कर रहे हैं और सरकार की नीतियों से काफी खुश हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि व ग्रामीण विकास बैंक के निदेशक देशराज शर्मा ने नूरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि जो किसानों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है वे झूठ है। हिमाचल में किसान खेतों में काम कर रहे हैं और सरकार की नीतियों से खुश हैं। चंद लोगों द्वारा गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री व प्रदेश सरकार ने किसानों को खेती के जरूरी सामानों पर सब्सिडी दी जा रही है। किसानों के लिए कई योजनाएं भी चलाई गई हैं जिसका किसान लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने किसानों के हितों को ध्यान में रखा है और समय समय पर किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए काम किए जा रहे हैं। किसान हमारा खेत में काम कर रहा है, किसान हमारा अपने जमीन में काम कर रहा है, किसान हमारा संपन्न है और सरकार का भी ये ध्येय है कि किसानों की आर्थिकी को दुगनी करना है। हमारे मित्र कुछ विरोधी दल के लोग, शरारती तत्व, कुछ चंद किसानों के नेताओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार की छवि को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस प्रकार किसानों के उत्थान के लिए निम्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, देखिए किसान सम्मान निधि योजना, बीजों के ऊपर सब्सिडी, औजारों के ऊपर सब्सिडी, ट्रैक्टरों के ऊपर सब्सिडी, कीटनाशक दवाइयों के ऊपर सब्सिडी, किसी भी प्रकार का किसानों को उन्होंने बेनिफिट देने से अछूता नहीं छोड़ा है। और किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, किसानों को निम्न प्रकार की योजनाएं जैसे किसानों की जमीन में तालाब, किसानों की जमीन को लैंड डेवलपमेंट, किसानों की जमीनों को समतल करना, किसानों की जमीनों को पानी देना नहर की दृष्टि से, पाइप की दृष्टि से, कुएं की दृष्टि से, तालाब की दृष्टि से, और जो बंजर जमीन है उसको उपजाऊ करने के लिए निम्न प्रकार की योजनाएं जो है ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दी है, जो हम लोग इसका भरपूर लाभ ले रहे हैं। किसी भी प्रकार की मुझे लगता है कि किसानों को कोई दिक्कत है नहीं। ये जो कुछ चंद लोग हैं ये सरकार की छवि को बदनाम करने के लिए ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय जयराम जी को, इनकी जो जन कल्याणकारी नीति है किसानों के प्रति ये बहुत बढ़िया है और ऐसी आगे चलती रहेगी। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।